अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों मित्रों सजनों भ्राओ ते मेरी ओ भैनों ते बीबीओ, अज तुहाडे नाल बहुत ही मज़ेदार किस्म की आलू मटर की बिरयानी की रेसिपी मैंने ये शेयर की है। इस रेसिपी को पूरा देखें और जो लोग कमर्शियल तौर पर ये अपना बिरयानी का काम करना चाहते हैं वो इस रेसिपी को देखें, आलू मटर बिरयानी बनाएं और ढेरों नहीं बल्कि लाखों रुपया कमाएं। ये बिल्कुल सिंपल और आसान सा तरीका है। लाहौर और दूसरे शहरों में बहुत सारे लोग ऐसे ही ये बिरयानी को बनाकर लाखों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन बहुत से भाइयों को दोस्तों को ये रेसिपी पता नहीं है, उनको इसके तरीके का नहीं पता। तो ये इसमें मैंने सारा तरीका जो कि है बता दिया है और आप इस तरीके को फॉलो करें और इसी तरीके से रेसिपी को बनाएं और मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनाकर लाखों रुपया कमाएं। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और आपका बहुत शुक्रिया। ये बनाएं और इसका कारोबार करें और लाखों रुपया कमाएं इंशाल्लाह। वस्सलाम। तो लीजिए, घी हमने लिया है तकरीबन एक पाव दो किलो चावल आलू मटर के लिए जो बना रहे हैं। तो शुरू करते हैं, घी जो कि गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे। हमने दो अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, अगर वज़न करें तो तकरीबन डेढ़ पाव के करीब। तो ये प्याज डालेंगे और इनको अच्छी तरह ब्राउन करेंगे। तो जैसे ही प्याज ब्राउन हो गए तो फिर हम आपसे मिलते हैं। तो जैसे ही ज़रा लाइट ब्राउन होगा प्याज तो हम इसमें डालेंगे दो चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये देखें जी, बना हुआ दो चम्मच हम डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। चले हम तीन चम्मच ही डाल देते हैं, दो किलो चावल हैं और तीन चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब इसको तकरीबन एक से दो मिनट तक अच्छी तरह हम इसमें भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो हीक है वो ख़त्म हो सके। तो लीजिए जी, तकरीबन दो मिनट भूनने के बाद अदरक और लहसुन के पेस्ट को हम इसमें शामिल करेंगे। ये हैं मटर निकले हुए, इनका ये तकरीबन एक किलो मटर थे, उनमें से हमने ये मटर निकाले थे। तो ये हम मटर, अब मटर डालकर तकरीबन तीन चार मिनट तक हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। तो फिर देखते हैं इसमें क्या चीज़ हम शामिल करेंगे। तो लीजिए, पाँच से छः मिनट हो गए हमें मटरों को भूनते हुए इस घी में। तो अब हम शामिल करेंगे इसमें आलू। ये लेंगे, ये हमने करीब डेढ़ किलो के करीब आलू लिए हैं और ये डाल लिए हैं। याद रखिए कि एक किलो मटर, डेढ़ किलो आलू और दो किलो चावलों की ये हम ये आलू मटर बिरयानी बना रहे हैं। ये बिल्कुल स्पेशल किस्म की बिरयानी है और YouTube की तारीख में ये पहली बिरयानी होगी जो कि आलू मटर बिरयानी के नाम से हम इसको प्रजेंट कर रहे हैं। तो इसको एंड तक पूरी रेसिपी को देखिएगा अच्छी तरह और इसको बनाकर एंजॉय कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और सब दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, क्योंकि लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार का इजहार होता है। तो इस प्यार के हम हकदार हैं, क्योंकि हम भी देखें अपना वक्त भी ज़ाया करते हैं और आपके लिए तरह तरह की रेसिपीज बनाकर लाते हैं ताकि आप अच्छी तरह इंजॉय कर सकें। शुक्रिया। लीजिए, आलूओं को और मटरों को हमने पाँच मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे, हमारे पास ये चंद लौंग हैं, तकरीबन इतने आधी चम्मच के करीब आपने इसमें लौंग डाल देने हैं और एक चम्मच ये काली मिर्च है। काली मिर्च अच्छी लेनी है, बड़े वाली। तो ये एक चम्मच के करीब ये डाल दिया हमने और ये हम दो चम्मच डालेंगे जीरे के, जीरा सफ़ेद ये एक चम्मच और ये दो चम्मच। इसकी खुशबू बहुत ही निराली, बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत होती है। और अब हम इसमें डालेंगे बिरयानी मसाला। तो ये बिरयानी मसाला एक चम्मच और ये डालेंगे दो चम्मच और ये तीसरा चम्मच भी अब हम डाल देंगे इसमें। तो बिरयानी मसाला भी हमने डाल दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक
तो ये नमक के हम डालेंगे इसमें एक चम्मच, दो चम्मच, तीन चम्मच और चार चम्मच, और बाद में देख लेंगे चेक कर अगर नमक कम होगा तो नमक और हम इसमें डाल लेंगे। तो अब हम इन सारी चीज़ों को तकरीबन 5 मिनट तक मज़ीद भूनेंगे और फिर मिलते हैं हम 5 मिनट इनको भूनने के बाद के अब इनका क्या करना है। तो लीजिए अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो ये एक डिब्बा था जो हमने लिया था चावलों का, और अब हम इसमें 1.5 डब्बा के करीब पानी को डाल देंगे। ये वैसे 2 किलो चावल हैं और हम इसमें 1.5 किलो पानी शामिल करेंगे, 3 किलो पानी शामिल करेंगे। 2 किलो चावल और 3 किलो पानी इसमें शामिल करेंगे। तो ये 1/2 डब्बा है, पहले हमने पूरा डाल दिया था। डालें जी, लो ये 3 किलो पानी हमने इसमें शामिल कर दिया। अब इसको हम ऊपर से ढाँप देंगे। तो इसको अब हमने ढाँप दिया है, तो जैसे ही पानी में उबाल आएगा हम ढक्कन उठाकर इसमें चावल शामिल करेंगे। जी अब हम इनको चावलों को डालेंगे पानी उबलते हुए। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तो ये लें चावल हम इसमें डाल देंगे। 2 किलो चावल हैं और 1 किलो मटर है और 1.5 किलो आलू हैं। तो इनको अब हम सारे के चावल उबालते हुए ये सारे के सारे चावल अब हम अच्छी तरह इसमें डाल देंगे। तो लीजिए ये चावल हमने डाल दिए हैं, अब हम इनको अच्छी तरह आहिस्ता से हिलाएंगे ताकि चावल टूटे नहीं और अपना जो मकाम है, जो अपना उनका वजूद है वो बरकरार रख सकें। अगर हम चावलों को ज़ोरदार हाथों से हिलाएंगे तो चावल टूट जाएंगे। ये देखिए आलू, मटर और चावल की ये बिरयानी बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनने वाली है। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको ढाँप देते हैं ताकि वो बाल पानी में अच्छी तरह आ सके। तो ये देखिए बिरयानी खाने के इंतज़ार में सब लोग कितने बेचैन और बेकरार हो रहे हैं। ये देखें जी मुंडा तो चेक दे फ़ोन करने लग पे। ये ताबिश भाई भी आ गए, क्या खाओगे? बिरयानी? चावल खाओगे? कौन से राइस खाओगे, मीठे या नमकीन? नमकीन खाएगा जी ताबिश। पर अब हम डालेंगे 1 चम्मच, ये हमारे पास काली मिर्च है। ये बिल्कुल स्पेशल बात है कि हम इसी मौके पर डालेंगे, इससे पहले हमने काली मिर्च को नहीं डालना है। तो अब जहाँ पर हमारे पास हैं ये हरी मिर्चें हमारे पास, इनको हम लगाएंगे इसके ऊपर। और इसके बाद हम ये धनिया है, दम लगाने के लिए हम धनिया इसको इस पर डालेंगे। और ये हमारे पास जो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारे पास बिरयानी का कलर है, तो ये हम डालेंगे। और इसको अब हम देंगे दम, तकरीबन इसको हम 15 मिनट तक दम देंगे। तो 15 मिनट के बाद हम इसको देखते हैं कि इसकी क्या सिचुएशन है। तो ये लीजिए हमने दम दे दिया इसको 15 मिनट के लिए। सारे भली क्या खाओगे आप? जो दे देंगे वो खाओगे। तो लीजिए 15 मिनट के बाद हम जिस आलू मटर बिरयानी का दम उठाएंगे, माशाल्लाह देखें जी कितना खूबसूरत और कितना प्यारा ये मंजर है और कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत ये बिरयानी हमारी पककर तैयार हो चुकी है। तो अब इसको निकालेंगे, तो देखते हैं इसको निकालने के बाद। ये देखें हम, ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत ये नज़ारा है और कितने खूबसूरत ये चावल बनकर पककर ये बिरयानी तैयार हो चुकी है। तो हम अब इसको प्रेजेंट करते हैं कि इसको कैसे हमने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी आज हम आलू मटर की बिरयानी बना रहे हैं जो कि बहुत ही शानदार, नफीस, और ये देखें कितनी कलरफुल, कितनी प्यारी ये बिरयानी पककर तैयार हुई है। ये देखें जी रंग बिरंगे, खूबसूरत और बहुत ही प्यारे से चावल तैयार हो चुके हैं। अकेला अकेला दाना ये कलियों की तरह खिलकर आपके सामने ये आ चुका है। तो ये बहुत ही शानदार किस्म की बिरयानी की तरकीब है, आप इसको बनाएं और बड़ा इंजॉय करेंगे। ओके। क्या खुशनुमा और खुश
रंग जायका और ये कितनी प्यारी मज़ेदार किस्म की आलू मटर की बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। ये बिरयानी बनाएं, बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत मज़ेदार। सबसे बड़ी यह बात यह है कि खाने में बहुत ही मज़ेदार है और बनाने में बिल्कुल आसान है और फुल ऑफ टेस्ट है। ये लें जी माशाल्लाह, खूबसूरत बिरयानी, बहुत प्यारा कलर और खिले खिले निखरे निखरे से चावल। ये लें जी माशाल्लाह।